सामने रक्षे पे लिखा हुआ है आपे आसी और थले लिखा है तेरी यादें पागल कर छोड़े। और जिस लोकेशन पे हमने पहुंचना था हम पहुंच आए हैं। हम आपको बताते हैं ये कौन सी जगह है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू न्यू एंड अदर व्लॉग। मैं हूं नियाज अहमद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरेकी मुंडा 88। उम्मीद करें ना कि सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मेरी आपसे दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए खुश रखे। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर ले हमारा चैनल सब्सक्राइब। फिर करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। अच्छा व्यूअर्स, जिमें कि आपको पता है कि मैं व्लॉग इधर से स्टार्ट किया, आपको मेरी बाइक साइड पे जो दरबार नज़र आ रहा होगा वो है गाजी अब्दुल्ला शाह बुखारी। तो आज हम हाज़री देने आए हैं, आज 9 ज़िलहज है, हज का दिन है। तो ये दरबार हमारे घर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है, ठीक है, यानी कि 18 किलोमीटर का फासला है। तो आज हम आए हैं दरबार पे हाज़री देने। आओ आज हम आपको पूरी दरबार का विज़िट करवाते हैं, ठीक हो गया। तो वीडियो के साथ साथ रहना है आपने। अच्छा व्यूअर्स, आपको भी पता होगा और दरबार के साथ ना कब्रिस्तान लाजमी होता है। जो भी जिस मज़ार पे जाएं तो उस मज़ार के साथ कब्रिस्तान लाजमी होता है। तो आप देखने के लिए कब्रिस्तान भी आया हम आपको व्यू। माशाल्लाह व्यूअर्स, इधर पानी की सहूलत भी मौजूद है और वाशरूम भी लगे हुए हैं, यानी कि कोई मुश्किलात नहीं है इधर। तो आए हम आपको दरबार का व्यू दिखाते हैं। हम भी ज़्यारत करते हैं दरबार पे, आप भी ज़्यारत करें, दरबार पे जाया करो, दुआएं वगैरह किया करो। तो सामने उधर से रोड है, मेन रोड, तो इस साइड पर जो है दरबार है। तो व्यूअर्स, इधर छोटा सा खोखा लगा हुआ है, हम इधर शह लेते हैं बांटने के लिए। माशाल्लाह व्यूअर्स, इधर आपको मस्जिद नज़र आ रही है। तो जब मैं पिछले चक्कर पे आया था तो ये मस्जिद बन रही थी, तैयार हो रही थी। तो इधर लिखा हुआ है दरबार आलिया और कब्रिस्तान का एहतराम करें, शुक्रिया, बराए मेहरबानी जूते यहाँ उतारें। तो ये जूते उतारने की जगह हम जूते इधर उतारते हैं। माशाल्लाह व्यूअर्स, क्या खूबसूरती है। ये क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आती। लगता है ये इसलिए खड़काते हैं कि यानी कि मैं हाज़री देने आ गई। माशाल्लाह, ये देखें, जाल देखें, कितना खूबसूरत निकाल देता है सामने। व्यू देखें कितना माशाल्लाह व्यू है दरबार का। हाँ, आपको अंदर का विजिट भी करवाते हैं। सामने इतला आम लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। व्यूअर, दरबार के बाहर इतलाए आम लिखा हुआ था कि टिकटॉक बनाना, कोई वीडियो वगैरह बनाना जो आप सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं वो बनाना मना है। मैं आपको दिखाया भी है। तो माशाल्लाह, ये आप दरबार का व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। ज़ियारत कर लिया, चलें। अच्छा व्यूअर, हमने ज़ियारत वगैरह कर लिया, अब चलते हैं वापस। माशाल्लाह व्यूअर्स, मेरे गांव का झिंझुण चेक करें, कितना खूबसूरत है। और घाटा भी बहुत ज़्यादा है, देख लें। अगर कोई चोर इसमें छुप जाए ना, पता नहीं चलेगा कि चोर इधर छुपा बैठा नहीं। हाँ बताओ, ऐसे बात है बिल्कुल, टप्पा मार दे। अच्छा व्यूअर्स, आज हम आपको एक न्यू वैरायटी का आम्ब दिखाते हैं, चेक कराते हैं। जो आम का नाम है लाल बादशाह, आपने देखा होगा, कई किस्म के आम खाए होंगे आपने। तो ये है जी लाल बादशाह, मैं जूम करके आपको चेक करवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा सरवर, क्या हाल है, तबीयत सी है, ठीक है। अच्छा के वनों कोई आज अंब शाम खा हुआ हूँ, मौसम का मेवा है, आवाम तो खादी वेंदी है, चोरी पट के चलो असा के असम पुछते खा गए। चेक करो व्यूअर्स, आम चेक करो व्यूअर्स, गए नहीं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो घास आपको नज़र आ रहा है ये ज्वार का घास है, जो जानवर इसको बड़े शौक से खाते हैं, देख लें ये। और इसमें भड़ास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, अभी कोई इसको काट के रख दिया है,
और क्या कहते हैं इसको, भरी, ये भरी पड़ी पड़ी है, और इसको उठाएंगे फिर डंगर के मुंह में खाएंगे। खाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, आओ आज हम आपको गंदोड़े दिखाते हैं। गंदोड़े समझते हैं, जिसको आप खजूर बोलते हैं। खजूर पिंडू पिंडू केरी खावणला केरी खजी तले हो गए खजी मतलब सांभण है के खड़े दू चरबी है कने दो। अच्छा व्यूअर्स, मेरे गांव की जो सब्जी है मैं उसका आपको विजिट करा दूं, जिसको आप बैंगन बोलते हो। ये है जी बैंगन की फसल जो लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह सी ये सी साडे गांव दी ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश सब्जी है वे, व्यूअर चेक कर लें माशाल्लाह, ये देख लें। अच्छा साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये सुबह 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 वो बैंगन वाला 5-6 औरतें लगाता है, वो उसको सब्जी इकट्ठी कर देते हैं, वो फिर मंडी पे डेली का उसका रूटीन है, वो मंडी पे दे आता है। बैंगन, सिर्फ बैंगन की फसल है इसके पास। कोई गाना शाना सुना मैं वाल गाना केरा थोड़ा ई में कूड़ दे वा कोई सुनवा दे लगा बंदा चल केरा सुना जेरा ते कोंदा होवे यार दिल दा पक्का यार दिल दा पक्का नक दा कोका ढठा रतो का लब लब तकिया ने माई हां ये पूरा सुनवा दे मेरे को डांदे गेन को चबली मार दे ई में कूड़ दे। यार मैंने बहुत सारी देखी हैं वीडियो चपली वाले व्लॉग चपली वाली ये बातें वायरल होती हैं, चलो मैंने कहा आज हम भी चपली मार लें। मुझे नहीं आते असल में यार, तेरी कुछ चस भी नहीं है।